नमस्कार बच्चों, मैं दुष्यंत शर्मा आपके अपने YouTube चैनल रोहित स्टडी पॉइंट पर फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं? आशा करता हूं सभी अच्छे से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं टाइम एंड वर्क की वीडियो, और वीडियो नंबर 18 पर आप पहुंचे हैं। और क्वेश्चन है कार्य एवं मजदूरी पर आधारित, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, तो समझेंगे हम क्वेश्चनों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। ए तथा बी अलग अलग किसी कार्य को क्रम से 10 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं तथा शेष कार्य को सी 2 दिन में पूरा करता है। यदि इस कार्य के लिए 6000 रुपये मिलते हैं तो ज्ञात कीजिए ए बी तथा सी का प्रतिदिन कितना होगा, यानी कि ए बी और सी का हिस्सा पूछा है अलग। देखिए ए बी, ए देखिए ए का 10 दिन का, बी 15 दिन, तो देखिए हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है। और एलसीएम लेने का तरीका मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। देखिए अगर बड़ी संख्या में छोटी संख्या से पूर्ण तरह भाग चला जाएगा तो वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। अगर नहीं जाता है तो बड़ी संख्या का दुगना, 3 गुना, 4 गुना, 4-5 पे जाके लास्ट हो जाता है। तो देखिए क्या 10 से 15 कट रही है? नहीं, तो 15 का दुगना 30, तो देखिए 10 से भी 10 3 30, तो 30 हमारा एलसीएम आ जाएगा। और 10 से 3 बार और 15 से 2 बार, एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम। तो देखिए उसने क्या पूछा है, ए तथा बी मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं। देखिए ए प्लस बी, और देखिए दोनों का कितना है, 3 और 2 5, और कितने दिन काम कार्य कर रहे हैं, 5 दिन तक कार्य, तो 25 कार्य हो चुका। और कार्य टोटल हमारा कितना है दोस्तों, 30। तो देखिए 30 माइनस 25, तो कितना बचा हमारा कार्य, 5 बचा कार्य। और उसने क्या बोला है, देखिए शेष कार्य है, ये हमारा शेष कार्य है, शेष कार्य को सी 2 दिन में पूरा करता है। तो देखिए 5 हमारा शेष है कार्य, और 2 दिन में पूरा कर रहा है, तो 2.5। तो देखिए सी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 2.5, 2.5, 2.5, क्योंकि सी 2 दिन में कार्य कर रहा है, तो 2.5 अगर एक दिन में कार्य करेगा तो 2 दिन में 5। तो देखिए ए बी सी, ए का कितना है 3, बी का कितना है 2, और सी का कितना है देखिए 2.5। और देखिए टाइम, हाँ टाइम की मल्टीप्लाई हो जाएगी दिन से। देखिए ए ने कितने दिन कार्य किया, 5, मैं यहाँ लिख देता हूँ। बी ने कितने दिन किया, 5, क्योंकि दोनों 5 कर रहे हैं। और सी ने कितने दिन कार्य किया, 2, देखिए सी ने 2 दिन में पूरा करता है। तो देखिए 2.5 दुनी 5, 5 दुनी 10, और 5 दिया 15, देखिए 15 10 25 और 5 30 टोटल। तो देखिए इसने क्या कहा है, इस कार्य के लिए 6000 रुपये मिलते हैं। देखिए ये टोटल कितने हुए, 30, और 6000 मिलते हैं, तो देखिए कितनी मल्टीप्लाई पर है, 200, इसे मैं मिटा देता हूँ, यहाँ दूसरी जगह लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं,
पाँच तो कितनी मल्टीप्लाई पर है 200, तीन दूनी छः और तीन जीरो, ये तो देखिए इसकी भी मल्टीप्लाई 200 से हो जाएगी, दो पंजे 10 यानी कि 1000, और इसकी भी मल्टीप्लाई 200 से हो जाएगी तो तीन जीरो ये 2000, और इसकी भी 200 से हो जाएगी 15 दूनी 30 यानी कि 3000। तो देखिए ये तीनों का हिस्सा निकल आए, तो ये हमारा आंसर हो जाएंगे, तो नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। तीन श्रमिकों ए बी सी को ठेके पर 750 रुपये पर किसी कार्य को पूरा करने के लिए लगाया गया, सभी तीनों मिलकर इस कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ए और सी दोनों मिलकर इसे 12 दिनों में, जबकि ए और बी दोनों मिलकर 13 सही 1/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो मेहनताने की रकम को किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा। देखिए ए बी ए प्लस बी प्लस सी 750 रुपये। देखिए तीनों मिलकर इस कार्य को 8 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी 8 दिन मैं यहां से आपको 8 दिन, ए और सी दोनों मिलकर इसे 12 दिन में, ए और सी 12 दिन, जबकि ए और बी दोनों मिलकर 13 सही 1/3 दिन, ए और बी तेरह सही 1/3 दिन, 13 39 40/3 दिन दे। तो देखिए अब इनका हम एलसीएम ले लेंगे, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम एक मान लेते हैं, एक मान लिया हमने। तो देखिए 40 और 12 और 8 का एलसीएम, देखिए मैंने एलसीएम लेने का तरीका आपको बताया है, अगर बड़ी संख्या छोटी संख्याओं से कट जाएगी तो वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए 8 और 12 से 40/3 नहीं कटती, तो इसका डबल कर लीजिए, 40 दुनिया 80 नहीं कटती, 40 दिया 120, तो देखिए 120 ऐसी संख्या है जो तीनों से कटेगी, 120 ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। देखिए 8 से 15 बार 15 अट्ठे 120, 12 दहाई 120, 40 दिया 120 और 3 दिया 9, 40 दिया 120 तीन बार और 3 दिया 9। तो देखिए ए बी सी तीनों का एक दिन का कार्य 15 है, और ए सी का 10 है एक दिन का कार्य, और ए बी का 9 एक दिन का कार्य है। तो देखिए ए बी और सी, ए बी और सी, तो देखिए ये तीनों का है ए बी सी का, और यहाँ ए सी का, अगर ए बी सी तीनों के में से ए सी का माइनस कर देंगे हम तो बी का निकल आएगा। तो देखिए 15 में से 10 अगर माइनस कर देंगे हम तो 5 किसका हुआ, बी का, 5 किसका हुआ, बी का, बी का। तो देखिए अगर बी का 5 है, बी का 5 है, तो इसमें किस किस का है, देखिए ए बी का, और ए बी का कितना है 9 और बी का 5 है, तो 4 अगर 9 में से 5 माइनस कर देंगे 4 किसका बचा, ए का। तो देखिए और ए बी सी का कितना है 15 तीनों का, और यहाँ ए बी का कितना है 5 4 4 9, तो 9 अगर माइनस कर देंगे 15 में से तो
तो किसका निकल जाएगा, सी का, 9 और 6 15। तो देखिए 9 अगर माइनस कर देंगे तो 6 सी का आ जाएगा, किस 6 सी का। तो देखिए जब इनका अनुपात देखिए 4, इनका अनुपात कितना है 4 और 5 9, 9 और 6 15, और टोटल कार्य कितना है हमारा 120, 15 से 8 बार, 15 अट्ठे 120। देखिए जब समय बराबर हो तो यही हमारा रेशियो आके पड़ेगा। तो देखिए टाइम, और मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ, देखिए मल्टीप्लाई टाइम, 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 6 48, 8 5 40, 8 6 32। देखिए अब मैं 8 से ही निकाल देता हूँ, 8 6 32, 8 5 40, 8 6 48, देखिए वही सेम रेशियो आ गया। जब समय बराबर हो तीनों का या दोनों का जितने भी हैं तो रेशियो वही आके पड़ेगा, सेम आके पड़ेगा। और उसने क्या कहा, 750 तीनों का, देखिए 5 और 4 9 6 15, तीनों का कितना है योग 15, और यहाँ तीनों का कितने हैं रुपये 750। कितनी मल्टीप्लाई पर है दोस्तों, 50, देखो 15 5 75 और 0। तो देखिए 50 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी 5 6 30 300, और 50 की यहाँ हो जाएगी देखिए 250, 250, और 50 की यहाँ हो जाएगी 200। तो देखिए यहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ इसे, तीनों का कितना है देखिए, यहाँ देख लीजिए ए बी सी 200 250 बी का और सी का 300। क्या पूछा है अनुपात, देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल तीनों में, और देखिए 5 से काट लीजिए, 5 6 20 5 5 25 और 5 6 30। तो अनुपात हमारा क्या निकल का है दोस्तों, 4:5:6, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। ए तथा बी अलग अलग किसी कार्य को 10 व 15 दिनों में कर सकते हैं, यदि वे बारी बारी से कार्य करें तथा इस कार्य के बदले उन्हें 6000 रुपये दिए जाते हैं तो दोनों का अलग अलग हिस्सा ज्ञात करें। देखिए ए बी 10 व 15 दिन तो हमें इनका एलसीएम ले लेना है, और 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा देखिए 30, मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बता चुका हूँ, इसमें दोनों में देखिए 10 से 3 बार, 15 से 2 बार। तो ए का एक दिन का कार्य 3 है और बी का एक दिन का 2। तो उसने क्या कहा देखिए, यदि वे बारी बारी से कार्य करें तो इस कार्य के बदले उन्हें 6000 रुपये दिए जाते हैं। देखिए ए और बी, ए और बी मैं यहां लिख देता हूं इसके बराबर में, ए और बी, ए का एक दिन का कार्य कितना है 3,
बी का एक दिन का कार्य कितना है? दो। तो देखिए बारी बारी से कार्य करेंगे भी। पहले नंबर आएगा देखिए ए का, फिर उसके बाद बी का, फिर ए का, फिर बी का, ऐसे ही क्रम चलता रहेगा। तो हमें इसका देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमको एक चक्र बना लेना है, एक पूरा चक्कर, रिपीटेशन का मामला है यहाँ। तो देखिए कार्य कितना है हमारा 30 और दोनों कितना है 5, 5 है 30। तो देखिए इसमें 6 दिन ए करेगा, 6 दिन बी करेगा। देखिए मैं दिखा देता हूँ यहाँ आपको टाइम, समय की मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखिए 6 दुनी 12 और 6 18, तो देखिए 18 और 12 30 और यहाँ हमारा कार्य भी देखिए 30 है। देखिए उसने क्या कहा है, 6000 रुपये दिए जाते हैं, 18 12 कितने हो गए देखिए दोस्तों 30 और 6000 रुपये वो दोनों को दे रहा है, तो कितनी मल्टीप्लाई पर है 200, 3 दुनी 6 और 3 0 तो इनकी भी 200 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 2400, 2 0 आ गई, और इसकी भी 200 से 18 दुनी 36 और 2 0 तो ये 3600 और ये 2400। तो उसने क्या बचा, दोनों का अलग अलग हिस्सा कितना है, ए का 3600, बी का 2400। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे, नोट कर लीजिए। अब आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, और इन क्वेश्चनों पर बार बार प्रैक्टिस करिए ताकि आपकी स्पीड तेज हो जाए और पेपर में समय ज़्यादा नहीं लगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ठीक है, ओके।